हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो सवाल करते हैं 3 किलोवाट सोलर सिस्टम हम लगाना चाहते हैं, इसकी कितनी कॉस्टिंग आएगी, इसके अंदर क्या क्या लोड चलेगा, कितनी देर तक चलेगा। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं सोलर पैनल की। सोलर पैनल आप जिस क्वालिटी का लेते हैं उसके हिसाब से जो प्राइसिंग है वो कम ज़्यादा होती है। जैसे कि अगर आप पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल लेते हैं तो 22,000 से 25,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ पे मोनोपर्क पैनल लेते हैं, क्योंकि आजकल मोनोक्रिस्टलाइन बहुत कम हो गया, ज़्यादातर मोनोपर्क ही काम में ले रहे हैं, तो इसकी प्राइसिंग लगभग 30,000 से लगा के 36,000 रुपये तक होती है। अगर आप यहाँ पे बायफिशियल ले रहे हैं तो बायफिशियल की जो प्राइसिंग है वो यहाँ पे लगभग 30,000 से शुरू हो जाती है, जो 40,000 रुपये तक आपको बायफिशियल 1 किलोवाट सोलर पैनल मिल जाएंगे। अब ये क्या होता है, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। जैसे कि यहाँ पे अभी मैं केरला के अंदर हूँ, तो केरला के अंदर क्या होता है कि काफ़ी लंबी लंबी यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, जिसके कारण शेडो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है, और यहाँ पे बारिश का टाइम भी काफ़ी ज़्यादा समय के लिए रहता है, जिसके कारण क्या है कि यहाँ पे मोनोक्रिस्टलाइन या फिर बोले मोनोपर्क पैनल को काम में लिया जाता है, ताकि क्या हो कि यहाँ पे जब लो लाइट हो तब भी यहाँ पे पैनल अच्छी एफिशिएंसी आप लोगों को दे सके। इसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो ही है यहाँ पे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर भी यही है, जैसी क्वालिटी का आप स्ट्रक्चर लेते हैं वैसी प्राइसिंग आपको पे करनी पड़ती है। इसके साथ में ज़्यादातर जगह पे क्या होता है कि कस्टमाइज स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो रूफ़ होती है वो एक जैसी नहीं मिलती। अभी मैं जिस छत के ऊपर खड़ा हूँ ये एकदम फ्लैट है, लेकिन कई जगह पे आपको इंक्लाइंड रूफ़ भी देखने को मिलेगी, तो इसके कारण जो प्राइसिंग है वो यहाँ पे चेंज होती रहती है। इसके साथ में आप लाइट वेट लेते हैं, वॉल माउंटेड स्ट्रक्चर लेते हैं, नॉर्मल स्ट्रक्चर लेते हैं, हाई रेज लेते हैं, उससे आपकी जो प्राइसिंग है वो कम ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं ये स्ट्रक्चर MS का है, जिसकी प्राइसिंग लगभग यहाँ पे कुछ 12,000 से 15,000 रुपये के रेंज के अंदर आपको इजीली मिल जाएंगे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं इन्वर्टर की प्राइसिंग। इन्वर्टर की जो प्राइसिंग, अगर आप 3 किलोवाट का एक इन्वर्टर परचेज करते हैं तो लगभग आपको जो इन्वर्टर है वो 35,000 रुपए से लगा के 40,000 रुपए की रेंज के अंदर मिल जाएगा। लेकिन अब आप में से काफ़ी सारे लोगों के मन में सवाल भी हो सकता है कि यहाँ पे सोलर इन्वर्टर की जगह यहाँ पे नॉर्मल इन्वर्टर और चार्ज कंट्रोलर क्यों लगाया गया है। तो यहाँ पे एक स्मार्ट डिसीजन लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे 4000 VA का इन्वर्टर काम में लिया है, और यहाँ पे क्या है कि एक जो MPPT चार्ज कंट्रोलर है उसे इंस्टॉल किया गया है। अब काफ़ी सारे लोग यहाँ पे ये भी कन्फ्यूज़न कर देते हैं कि 4000 VA को ही वो क्या समझ बैठते हैं कि 4 किलोवाट है, तो ऐसा नहीं है। जो किलोवाट होता है वो अलग चीज़ है और VA अलग चीज़ है। अगर आप किलोवाट का अगर देखते हैं, मान लीजिए कि ये 4 किलोवाट का होता तो इसके VA यहाँ पे लगभग 4500 VA का ये होता, यानी कि 4.5 KVA का ये इन्वर्टर होता, तो ये 4000 KVA का है लगभग, यानी कि ये जो 3 किलोवाट का इन्वर्टर होता है उससे थोड़ी ज़्यादा इसके अंदर लोड कैपेसिटी है। इसके साथ ही एडिशनल यहाँ पे MPPT का चार्ज कंट्रोलर बाय किया हुआ है, तो यहाँ पे जो ये है चार्ज कंट्रोलर ये यहाँ पे 50 एम्पियर का है और 48 वोल्ट का है, तो इसकी प्राइसिंग लगभग यहाँ पे 11,000 से 12,000 रुपये है और 22,000 रुपये का ये है। यहाँ पर सेपरेटली इंस्टॉलेशन कराने का एक बेनिफिट आप लोगों को और मिल जाता है। मान लीजिए मेरा चार्ज कंट्रोलर किसी कंडीशन में ख़राब हो गया है, तो मुझे क्या होगा कि यहाँ पे पूरा सिस्टम भेजने की ज़रूरत नहीं है, खाली मैं मेरा चार्ज कंट्रोलर रिपेयरिंग के लिए भेजूंगा, बाकी सिस्टम मेरा पूरी तरीके से काम कर रहा होगा। क्योंकि जो घर ये आप देख पा रहे हैं ये पूरा घर क्या है कि यहाँ पे कंप्लीटली सोलर सिस्टम के ऊपर रन हो रहा है। यहाँ पे क्या है कि ग्रिड को इन्होंने पूरी तरीके से बंद कर रखा है, लगभग यहाँ पे 6 महीने से 7 महीने का समय हो चुका है, इन्होंने कभी ग्रिड को चालू नहीं किया। मंथली या जो 2 महीने का बिल आता है उसमें जो स्थायी शुल्क आता है जो 70-80 रुपये के आसपास का इनके यहाँ पे बिल आ रहा है, इसके अलावा इनको यहाँ पे कोई एडिशनल अमाउंट पे नहीं करना पड़ रहा है। नेक्स्ट कंपोनेंट यहाँ पे आ जाता है बैटरी। बैटरी की रिक्वायरमेंट आपके घर के हिसाब से होती है, आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप बैटरी परचेज कर सकते हैं। इसके साथ ही आपका जो इन्वर्टर है वो कितने कैपेसिटी की बैटरी को सपोर्ट करता है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना होता है। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे जो इन्वर्टर है हाल फिलहाल में, ये 120 AH से लगा के 200 AH तक की बैटरी को सपोर्ट करता है, यानी कि इससे ज़्यादा कैपेसिटी की हम बैटरी इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 150 AH की एक बैटरी इंस्टॉल की गई, ऐसी 4 बैटरी यहाँ पे इंस्टॉल की गई है, क्योंकि ये 48 वोल्ट का सिस्टम है तो बैटरी जो होती है वो 12 वोल्ट की होती है, तो 4 बैटरी को यहाँ पे सीरीज में कनेक्शन करके 48 वोल्ट तैयार करके जो इन्वर्टर है इससे कनेक्ट किया गया है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि यहाँ पे बैटरी का इंस्टॉलेशन हुआ, और जो बैटरी की प्राइसिंग है वो लगभग एक बैटरी आपको 15,000 से लगा के 18,000 के रेंज में विथ GST मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट कंपोनेंट आता है ACDP और DCDP। काफ़ी जगह ये भी देखा गया कि इन कंपोनेंट को क्या करते हैं, खाली यहाँ पे MCB इंस्टॉल कर दिया, फ्यूज़ इंस्टॉल कर दिया, बस हो गया। इसके अलावा क्या है कि जो बाकी के कंपोनेंट है इन्हें छोड़ देते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि एग्जैक्ट क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे इंस्टॉल करनी होती है। तो जैसा आप देख सकते हैं ये है DCDP बॉक्स। DCDP बॉक्स के अंदर पहले MCB लगाई हुई है, फिर एक मीटर लगाया हुआ है जो यहाँ पे ये चीज़ बताता है कि बैटरी कितने परसेंट चार्ज है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं बैटरी अभी 100% चार्ज है। इसके बाद में यहाँ पे लगा हुआ है SPD।
SPD का काम यहाँ पे ये रहता है कि वोल्टेज प्रोटेक्शन देता है। अगर यहाँ पे लाइटनिंग होगी, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है, हाई वोल्टेज होता है, तो यहाँ पे SPD क्या है कि इस चीज़ को कंट्रोल करेगा। और जितना भी करंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अर्थिंग का वायर कनेक्ट किया गया है, तो ये सारा करंट यहाँ पे अर्थ कर देगा, जिससे क्या होगा कि जो भी हमारे अप्लाइसेंस आगे रन हो रहे हैं वो ख़राब नहीं होंगे। तो ये तो हो गया यहाँ पे DC-DB। इसकी प्राइसिंग लगभग यहाँ पे 4,000 रुपये की है। और अब यहाँ पे बात कर लेते हैं AC-DB बॉक्स की। तो जो DC-DB बॉक्स होता है, वो सोलर का जो भी करंट आ रहा है उसको आगे इन्वर्टर में फ्लो करने से पहले लगाया जाता है। अब इन्वर्टर से जो करंट निकल रहा है वो करंट आएगा यहाँ पे AC-DB बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल MCB लगाई गई है। यहाँ पे क्या है कि ग्रिड को कम्प्लीटली बंद कर रखा है, जिसके कारण क्या है कि यहाँ पे SPD इन्होंने इंस्टॉल नहीं किए। लेकिन अगर आप क्या है कि ग्रिड को भी काम में ले रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों साइड आपके SPD होना कंपलसरी है। जो इस साइड में SPD होगी वो DC-SPD होगी, और इस साइड में आपके AC-SPD लगेगी। तो यहाँ पे पहला आप जैसा देख सकते हैं KS-EB का यहाँ पे लगा रखा है, यानी कि जो ग्रिड का यहाँ पे बोर्ड है उसकी यहाँ पे जो MCB है उसको पहले से बंद कर रखा है, जिससे क्या होगा यहाँ पे ग्रिड का किसी तरीके का कोई यूज़ नहीं है। इसके बाद में ये आउटपुट के लिए MCB लगाई हुई है, यानी कि इन्वर्टर से जो लोड चल रहा है वो डायरेक्टली क्या हो रहा है कि उसकी MCB है, और उससे पूरा लोड यहाँ पे रन हो रहा है। इसके बाद में यहाँ पे एक और MCB लगाई हुई है कि पूरा लोड हमें चालू करना है, यानी कि दोनों से लोड चालू करना है, तो उसके लिए है। इसके बाद में एक यहाँ पे मीटर लगाया गया है, जो कि ये चीज़ मेजर कर रहा है कि ये जो पूरा सिस्टम है इससे हमें कितने यहाँ पे यूनिट का कंजप्शन हो रहा है, वो सारी चीज़ इसके अंदर मेंशन की गई है। इसके बाद में एक MCB यहाँ पे और लगाई गई है जो अभी चालू नहीं है, ये खाली ऐसे ही यहाँ पे शो पीस के लिए लगा रखे, ताकि ये सारी चीज़ें इधर उधर हिले ना यहाँ पे, क्योंकि फ्री स्पेस है, इसमें किसी तरीके का वायर का कनेक्शन इन्होंने नहीं किया है। इसकी जो प्राइसिंग है लगभग 3,000 रुपये की है। नेक्स्ट कंपोनेंट है यहाँ पे वायरिंग। वायरिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों के द्वारा की जाती है, गलत वायर के सिलेक्शन से क्या होगा, कई बार वायर हीटिंग के कारण जल जाता है, और यहाँ पे एफिशिएंसी का भी काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। तो सही वायर का सिलेक्शन क्या है, तो सबसे मेन कंपोनेंट है यहाँ पे सोलर पैनल, जो कि बिजली जनरेट कर रहे हैं। तो वहाँ से आपके इन्वर्टर, या फिर यहाँ के केस में जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे चार्ज कंट्रोलर है, तो चार्ज कंट्रोलर तक जो वायर आएगा वो होगा यहाँ पे 10 square mm का वायर। तो यही वायर आपको सेलेक्ट करना है अगर आप 3 kW का यहाँ पे सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं। इसके बाद में जो बैटरी से जितना भी वायर कनेक्ट किया, यानी कि बैटरी से चार्ज कंट्रोलर कनेक्ट हुआ है, बैटरी से इन्वर्टर कनेक्ट हुआ है, तो यहाँ पे 16 square mm का वायर काम में लिया गया है। अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि बैटरी को आप कैसे तैयार करेंगे, क्योंकि एक बैटरी 12 वोल्ट के, तो सीरीज़ में कनेक्शन कैसे किया जाता है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसको नेगेटिव से कनेक्ट करना है हर बैटरी में। तो यहाँ पे इसका देख सकते हैं, जैसा कि ये वाला साइड यहाँ पे है पॉजिटिव का, और ये वाला है नेगेटिव का, तो पॉजिटिव नेगेटिव कर दिया। लास्ट का नहीं, फर्स्ट बैटरी का यहाँ पे नेगेटिव और लास्ट बैटरी का यहाँ पे पॉजिटिव, उन दोनों वायर से क्या होगा कि आपका जो वायर है वो निकल जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं ये सारे वायर यहाँ पे कनेक्ट किए गए, इनसे इन बैटरी को सीरीज़ में जोड़ा गया, और यहाँ पे पॉजिटिव लिया गया, एक पॉजिटिव का वायर जा रहा है आपके चार्ज कंट्रोलर में, एक वायर जा रहा है यहाँ पे इन्वर्टर में। अगर आपने यहाँ पे क्या ऑफ ग्रिड इन्वर्टर काम में लिया, तो एक ही वायर वहाँ से आएगा, आपको डबल वायर नहीं होगा। और सेम यहाँ पे नेगेटिव साइड के लिए भी यही है, नेगेटिव टर्मिनल पे 2 वायर कनेक्ट किए हैं, तो ऐसे करके यहाँ पे ये कनेक्शन किया गया। इसके अंदर 16 square mm का वायर काम में लिया गया। इसके बाद में जो वायरिंग है, जैसे क्या होगा कि पूरा लोड चल रहा है, यानी कि ये AC वायर है, इससे पहले हम जो भी बात कर रहे थे वो DC वायर था। अब AC वायर के अंदर क्या है, यहाँ पे 6 mm का वायर काम में लिया गया, जिससे क्या हो रहा है कि यहाँ से जो भी लोड है वो जा रहा है यहाँ पे हमारे AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, और इससे पूरे घर के अंदर सप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे 6 mm का वायर काम में लिया गया। यहाँ पे जितने भी ये वायरिंग वगैरह का खर्चा है, ये लगभग 3,000 से 4,000 रुपये वायर के लिए खर्च करने पड़े। जहाँ पे DC वायर है उसकी कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा है, AC वायर की कॉस्टिंग थोड़ी कम है। अब ये तो हो गए वो सारे कंपोनेंट जो हमारे सोलर सिस्टम को रन करने के लिए काम आते हैं। अब यहाँ पे सेफ्टी का क्या है, सेफ्टी के केस में क्या है, ज़्यादातर लोगों को यही बताया जाता है कि SPD लगा दिया, MCB लगा गया, ये यहाँ पे सेफ्टी पूरी होगी। लेकिन यहाँ पे जो SPD वगैरह ये सारी चीज़ें शॉपीस है, अगर आपने यहाँ पे अर्थिंग वगैरह प्रॉपर नहीं कर रखी है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यही सोचते कि SPD लगा दिया तो यहाँ पे काम हो जाता है। और इंस्टॉलर के केस में भी यही देखा गया कि वो जैसे उनको बताते कि अर्थिंग कीजिए तो कहते हैं 1 महीने बात करेंगे, 2 महीने बात करेंगे। ये चीज़ मैंने पर्सनली भी काफ़ी जगह पे देख रखी है, इंस्टॉलर इन चीज़ों को आगे टालते रहते हैं, और लाइटिंग अरेस्टर और अर्थिंग नहीं करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखते हुए पहले करानी है, जैसे ही सोलर सिस्टम लगता है साथ ही अर्थिंग भी करानी होती है। अर्थिंग यहाँ पे SPD में देख सकते हैं, जो DC अर्थिंग यहाँ पे की हुई है उसका यहाँ पे कनेक्शन क्या हुआ है, ये एक DC अर्थिंग है। इसके बाद में आप इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पे AC अर्थिंग की हुई है, AC अर्थिंग का एक वायर है जो यहाँ पे इन्वर्टर के पीछे से भी कनेक्ट किया गया होता है। तो यहाँ पे ये दोनों अर्थिंग करना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों सेपरेट यहाँ पे आपको होल करना होगा, दोनों के अंदर रोड डालनी होगी। तो यानी कि दोनों अर्थिंग यहाँ पे की हुई है, एक साइड में DC अर्थिंग और एक साइड में AC अर्थिंग। इसके बाद में एक कंपोनेंट और बच जाता है, वो है लाइटिंग अरेस्टर। अगर कभी आपके यहाँ पे लाइटनिंग होती या फिर ऐसी कोई दुर्घटना होती है, तो इसकी सेफ्टी भी आपके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसके लिए आपको लाइटिंग अरेस्टर पहले से ही इंस्टॉल करा के रखना है। काफ़ी जगह ये भी मिस्टेक देखी जाती है कि लाइटिंग अरेस्टर को छोड़ देते हैं, बाकी सारी यहाँ पे अर्थिंग भी कर देते हैं, तो लाइटिंग अरेस्टर भी इंपॉर्टेंट है। लाइटिंग अरेस्टर के लिए भी यहाँ पे एक सेपरेट अर्थिंग की जाती है, तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान देना है कि ये भी आपके यहाँ पर किया जाए। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो अर्थिंग और यहाँ पर लाइटिंग अरेस्टर लगाए जाएंगे इनकी कॉस्टिंग क्या होती है। तो इसकी जो भी कॉस्टिंग होगी वो डिपेंड करेगी कि आपकी जो बिल्डिंग है इसकी हाइट कितनी है, आपके घर के अंदर हाइट कितनी है, कहाँ पे आप अर्थिंग करा रहे हैं, कितने उसके अंदर वायर को लेना पड़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें। और इसके साथ यहाँ पे आप केमिकल कंपाउंड काम में ले रहे हैं, अर्थिंग में GI की रोड ले रहे हैं या फिर यहाँ पे कॉपर रोड ले रहे हैं, इन सारी चीज़ों से भी जो प्राइस है वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है। लेकिन एक अप्रोक्स कॉस्ट बताऊँ आपको विथ इंस्टॉलेशन, तो वो 15,000 से 20,000 रुपये की होती है जिसके अंदर इन तीनों का इंस्टॉलेशन हो जाता है। इसके बाद में अगर बिल्डिंग की हाइट ज़्यादा तो यहाँ पर जो प्राइसिंग है वो थोड़ी और इंक्रीज़ हो सकती है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो ये इंस्टॉलेशन है ये किया हुआ है इसके ऊपर क्या क्या लोड रन हो रहा है, क्या यहाँ पे ज़्यादा इंस्टॉलेशन तो नहीं कर दिया, इस चीज़ को भी जानने के लिए देख लेते हैं यहाँ का लोड क्या है। तो पहली चीज़ जो यहाँ पे रन हो रही है वो यहाँ पे 1.5 HP की पानी मोटर, यानी कि 1.5 HP की यहाँ पे पानी की मोटर लगाई गई है जो कि काफ़ी पावरफुल है। ये भी सोलर सिस्टम के ऊपर रन हो रही है, तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं मैंने चालू कर दिया। अब यहाँ पे जैसा कुआ है, इस कुएं से पानी निकाल के जो टंकी है इसको फुल करने के लिए यहाँ पे 1.5 HP की पानी की मोटर को काम में लिया गया। जो लोड यहाँ पे काम में ले रहे हैं वो है यहाँ पे इंडक्शन कुकर। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 2000 वाट का इंडक्शन कुकर है। अब क्या है कि इंडक्शन कुकर को आप जैसे स्पीड पे चलाएंगे तो ये 200 वाट से लगा के 2000 वाट का कंजप्शन करता है, यानी कि एक घंटे अगर इसको फुल कैपेसिटी पे चलाएंगे तो ये यहाँ पे 2 यूनिट का कंजप्शन करेगा। इसके बाद में यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है वो है वॉशिंग मशीन, जो कि लगभग यहाँ पे 500 से 600 वाट का कंजप्शन करती है पर आवर। नेक्स्ट यहाँ पे जो लोड काम में आ रहा है वो है यहाँ पे फ़ैन, मल्टीपल फ़ैन यहाँ पे काम में लिए हुए, यानी कि लगभग 6 से 7 फ़ैन है। यहाँ पे जो करंट है उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए यहाँ पे BLDC फ़ैन को काम में लिया गया। इसके बाद में यहाँ पे 5-स्टार रेफ्रिजरेटर को काम में लिया गया, जिससे क्या हो, फिर यहाँ पे 5-स्टार को काम में लिया ताकि यहाँ पे कंजप्शन कम हो, तो 5-स्टार एक फ्रिज हो गया। इसके बाद में घर की जितनी भी लाइट है लगभग यहाँ पे 10 लाइट के आसपास, जो 10 बल्ब और ट्यूबलाइट यहाँ पे काम में ली गई है। इसके बाद में यहाँ पे कुछ छोटे मोटे अप्लाइंसेस और काम में लिए जा रहे हैं, जैसे कि हो गया मिक्सर और ग्राइंडर, ये दोनों चीज़ें भी यहाँ पे इसी से चल रही है। तो आप देख सकते हैं दोनों ही चीज़ें इसके ऊपर इजीली रन हो जाती है। तो ये जितनी भी चीज़ें आपको बताई, इसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे यहाँ पे अप्लाइंसेस हैं जो इस सोलर सिस्टम के ऊपर रन हो रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने 4000 VA का इन्वर्टर लिया है, तो इनका ये भी प्लानिंग है कि फ्यूचर में यहाँ पे इन्वर्टर AC को भी इंस्टॉल कराएंगे। तो दोस्तों ये थी यहाँ पे पूरी जानकारी। अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का ऑफग्रिड सोलर सिस्टम लगाते हैं तो आपको कौन कौन से कंपोनेंट यहाँ पे लगाने चाहिए। कई सारे लोग बोलते हैं ये तो काफ़ी कम, 2 लाख में मिल जाता है, 1.25 लाख में मिल जाता है, इतने में मिल जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि मेन जो प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे ACDB DCDB हटा दिया जाता है, लो क्वालिटी का यहाँ पे इन्वर्टर काम में लिया जाता है, वायरिंग के अंदर कटौती कर दी जाती है। तो इन सारी चीज़ों के कारण क्या होती है, प्राइसिंग कम होती है। लेकिन आप अच्छी क्वालिटी सारे जो जो इक्विपमेंट इसके अंदर बताए हैं वीडियो में, अगर ये सारी चीज़ें लगवाते हैं तो लगभग आपको यहाँ पे 2.5 लाख से 3 लाख रुपये खर्च करने होंगे 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम के लिए। और साथ ही अगर आप यहाँ पे ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का इंस्टॉलेशन कराते हैं मोनोपर्क पैनल के साथ में, तो आप यहाँ पे क्या जो बैटरी के पैसे उन्हें हटा सकते हैं, यानी कि लगभग 60,000 रुपये के आसपास आपको पर किलोवाट पड़ जाएगा, थोड़ा कम या फिर थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे हो सकता है सारे कंपोनेंट के साथ में। तो 3 किलोवाट अगर आप लगवाते हैं तो यहाँ पे 1.5 लाख से लगा के 1,80,000 रुपये आपको खर्च करने होंगे। पॉलीक्रिस्टलाइन के साथ लगाते हैं तो लगभग 45,000 से 50,000 की रेट है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे 1.5 लाख रुपये के आसपास खर्च करने पड़ेंगे या फिर उससे कम भी आपको पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। तो ये हो गई यहाँ पे पूरी जानकारी। दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो प्राइस सेंसिटिव होते हैं, यानी कि जहाँ पे 5 रुपये सस्ता मिल गया वहाँ चले गए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखिए कि वहाँ पे भी आपको सारे कंपोनेंट जो जो यहाँ पे रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉल की जाए, क्योंकि कई बार मैंने ये देखा है कि लोग बोलते हैं यहाँ पे हमने 35,000 रुपये किलोवाट इंस्टॉल कर दिया, लेकिन वहाँ पे क्या फिर सारे वायर खुले पड़े हुए हैं, इन्वर्टर लो क्वालिटी का चाइनीज़ किसी ब्रांड का लगा दिया, सर्विस नहीं मिल पा रही है, पैनल जैसे तैसे देसी स्टैंड के ऊपर कनेक्ट कर दिए, तो ऐसी यहाँ पे गलतियाँ कर दी जाती है। सोलर पैनल है ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आप यहाँ पे सोलर सिस्टम में एक बार इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्वालिटी, यानी क्वालिटी का मतलब ये नहीं कि आप ज़्यादा पैसे खर्च करें, इसका मतलब है कि एक एक चीज़ यहाँ पे प्रॉपर इंस्टॉलेशन की जाए, पूरी तरीके सही ढंग से यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो, तभी जाके आपको यहाँ पे पूरा बेनिफिट मिल पाएगा। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप इसकी और जानकारी चाहते हैं तो आप loomsolar.com विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। आपका कोई सुझाव हो या आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।